नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने सिस्टम के थ्रू जो है सबमिट कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में तो यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं, आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पर जो डेट दी गई है दोस्तों, वो भी आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं, जो आपकी यहां पर डेट रखी गई है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है वो 1 फरवरी को रिलीज कर दिया था और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी 2023 मतलब कि आज के दिन से स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप विदाउट लेट फीस अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो 3 मार्च 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, लेट फीस के साथ में आप जो है 10 मार्च 2023 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आपके जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड किया मतलब जो आपके प्रवेश पत्र है वो रिलीज किए जाएंगे 13 अप्रैल 2023 को। एंड आपकी जो यहां पर एग्जाम डेट रखी गई है या फिर जो संभावित डेट रखी गई है वो 24 अप्रैल 2023 रखी गई है, मतलब कि 24 अप्रैल 2023 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपका जो रिजल्ट रहेगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि जो रखी गई है वो 30 मई 2023 रखी गई है। सो 30 मई तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, आप यहां पर क्लिक हियर फॉर एक्साइटिंग यूजर पर क्लिक करेंगे। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग से इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगा। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद में आपको आपका पूरा जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको सारी की सारी डेट दी गई है, आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है कि आप विदाउट लेट फीस आपको कितने रुपए जो है यहां पर सबमिट करने होंगे और लेट फीस के साथ में आपको कितने रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। तो लेट फीस में आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहां पर नीचे आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको जो है ये डिटेल डालनी है, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने अपनी सारी की सारी डिटेल जो है सबमिट कर ली है। आप इस तरीके से आपको जो है अपनी डिटेल यहां पर डालनी होगी, कैंडिडेट का नाम डालना है, उसके बाद में आपको अपने कैंडिडेट का नाम कंफर्म करना है। मतलब कि आपको अपना सारा का जो भी आपकी डिटेल है, अपना नाम, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को दो दो बार डालना होगा। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी यहां पर डाल देनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन दोस्तों आपको यहां पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रिलीज की गई है। आप इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं या फिर इस बुक को किसी भी ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से भी परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, 100% आपके नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही में 100% आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में 2700+ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे एंड 6 सॉल्व पेपर आपको दिए गए हैं, जो कि 2017 से लेकर के 2022 तक के सारे एग्जाम पेपर आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। सो आप एग्जाम पेपर से संबंधित जो है डिटेल लेकर के भी अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड जो आपको सॉल्व पेपर यहां पर दिए गए हैं उन सॉल्व पेपर को सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आपको जो है टॉपिक वाइज बुक यह देखने को मिल जाएगी, टॉपिक वाइज सिलेबस के साथ में, साथ ही में 100% आपको नए एग्जाम पैटर्न पर ये बुक दी गई है। सो आप इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इन बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, चक्षु प्रकाशन की तरफ से उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी यहां पर रिलीज की जाती है, तो आप उनको भी पढ़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके
तरीके से कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं दोस्तों अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए यहां पर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर डालना होगा। सबसे उससे पहले आपको यहां पर एक कैप्चा कोड फिल करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर ओटीपी जो है सबमिट कर दिया। ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है एंड इसके बाद में आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। एंड इसके बाद में दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही अब आपको यहां पर एक कैप्चा कोड जो है यहां पर आपको दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है। एंड कैप्चा कोड फिल करने के बाद में आपको यहां पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डेट यहां पर देखने को मिल जाएगी, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहां पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप यहां पर लॉग आउट करेंगे, देन वापस से आपको लॉग इन करना है। तो आप यहां पर जो है क्लिक हियर टू एडिट रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने डाली है वो ऑलरेडी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी एंड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं यहां पर अपनी सारी की सारी डिटेल डाल लेता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहां पर अपनी सारी डिटेल डाल दिया, डिटेल डालने के बाद में आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम आपको यहां पर डालना है, इसके बाद में आपको अपने कैंडिडेट फादर नेम डालना है, देन आपको मदर नेम यहां पर डालना है, इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर डाल देनी है। लिंक में दोस्तों आप यहां पर जो है मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अगर आपकी जो है मैरिड हो चुकी है या फिर आप अनमेरिड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिवोर्स कैटेगरी से है तो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी जो है नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आप जो है बिलोंग करते हैं। इसके बाद में अगर आपने अपनी दसवीं क्लास को जो है उत्तर प्रदेश से पास किया है तो आप यहां पर यस टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करेंगे। अगर आपने कहीं बाहर से किया हुआ है, आपने बारहवीं को अगर उत्तर प्रदेश से पास किया है तो आप यहां पर यस पर करेंगे, अदरवाइज नो पर करेंगे। एंड इसके बाद में अगर आपने अपने ग्रेजुएशन को यूपी से पास किया है तो आप यहां पर यस पर करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर टिक करना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको कैटेगरी नंबर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब कि अगर आप यहां पर एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरे तो आपको एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट का नंबर यहां पर डालना है। एंड आईडी प्रूफ आपको यहां पर डालना है। आईडी प्रूफ में पहचान पत्र में कौन सा दे रहे हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर अदर, में आप अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो अदर यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी होगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना होगा। एड्रेस आपको यहां पर डाल देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो फाइनल बचता है वो बचता है यहां पर आपको अपना किस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो देखिए यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा, इसके बाद में आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। देन दोस्तों आपको यहां पर अपना राइट हैंड और जो है लेफ्ट हैंड का फिंगर इंप्रेशन जो है यहां पर देना होगा। इसके बाद में आपको एससी एसटी ओबीसी का जो है डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसके बाद में आपको 10th और 12th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है, ये जो है आपके आईडी प्रूफ के लिए रहेगा। इसके बाद में आप जो भी आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड की जो है फोटो यहां पर अपलोड करनी होगी। एंड दोस्तों इतना करने के बाद में आपको यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहां पर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने किस तरीके से करने हैं उसके लिए मैं आपके लिए अलग से नई वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर के आप जो है अपने फोटो और सिग्नेचर्स के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की साइज को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जो साइज यहां पर मांगी गई है वही एग्जैक्ट साइज आप वहां पर भी जो है अपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सो इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं डाटा सेव एंड सक्सेसफुली। इसके बाद में दोस्तों आप कौन सी स्ट्रीम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो अगर आप कॉमर्स के साथ करना चाहते हैं तो कॉमर्स यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स के साथ करना चाहते हैं तो आर्ट्स यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है, देन दोस्तों आपके यहां पर टोटल नंबर कितने थे वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। मैंने यहां पर अपने सारे नंबर जो भी डिटेल है वो यहां पर डाल देता हूं। एंड इसके बाद में आपके यहां पर जो परसेंटेज रहेगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कौन सी ईयर में आपने जो है अपनी 10th क्लास को पास किया है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर डाल सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद में आपको 12वीं की डिटेल यहां पर डाल देनी है। तो चलिए मैं 12वीं की डिटेल डाल देता हूं यहां पर। 12वीं की डिटेल डालने के बाद में आपने कौन सी ईयर में जो है अपने 12वीं बोर्ड को पास किया है वो आपको यहां पर डालना है। इसके बाद में आपको यहां पर जो अपने 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप यहां पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहां पर पास करेंगे। अगर आप अपेयरिंग में से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपेयरिंग पर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप यहां पर पास कर चुके हैं तो आपको पास पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे सबमिट करना है। तो देखिए अभी मैं यहां पर अपनी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर देता हूं। तो मैंने यहां पर अपनी जो है 10th की और 12th की मार्कशीट यहां पर जो है डाल दिया। इसके बाद में आपको अपनी ग्रेजुएशन की कौन सी स्ट्रीम है वो आपको यहां पर डाल देनी है। साथ ही में
दोस्तों आपका बोर्ड नेम यहाँ पर डालना है, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, एंड दोस्तों कब आपकी कंप्लीट होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो 2023 में इजिली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का या फिर यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है, रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, एंड ये सब डिटेल डालने के बाद में आपको वापस यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे, एंड ओके पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है वेटेज पूछा जाएगा, मतलब कि आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। अगर आपके पास में कोई भी वेटेज है तो आप उसे यहाँ पर यस पर टिक कर सकते हैं, इससे आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आप राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या फिर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर आपने लिया है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पर टिक करेंगे। इसके बाद में क्या आप नेशनल कैडेट कोर या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पर करेंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे, अदरवाइज नो पर टिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये आपको जो है सारी की सारी डिटेल जो है आपको पढ़ पढ़ करके यहाँ पर यस या नो पर टिक करना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर कौन कौन सा रखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आगरा में देना चाहूंगा, इसके बाद में मैं अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आप इलाहाबाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। वैसे जो मोस्टली होता है वो आपको जो भी आप फर्स्ट एग्जाम सेंटर चूज करते हैं उसी में आपको जो है आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बाकी के जो है चार ऑप्शन भी आपको दिए जाते हैं ताकि अगर उस जगह पर आपका एग्जाम सेंटर जो है नहीं हो पाता है तो आपको दूसरी जगह पर एग्जाम सेंटर दे दिया जाए। तो ऐसे में मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम सेंटर चूज कर लिया है। यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन फीस आ रही है वो 700 रुपए आ रही है, तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसमें आई एग्री के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर आपको अपना जो कैप्चा कोड है ये फिल करना है। तो चलिए मैं कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, एंड सबमिट के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर आप प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है वो पूरी की मतलब समझदारी के साथ में फिल की गई है। सारी की सारी डिटेल फिल करने से पहले आपने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो अगर आपने अच्छी तरीके से चेक कर लिया तो आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है 700 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवाने के लिए बोला जा रहा है। यूपी बीएड जेई फॉर्म फीस जो आपकी रहेगी वो 700 रुपए रहेगी। आप जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के या फिर डेबिट कार्ड के मतलब की एटीएम के थ्रू अगर आप अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कार्ड नंबर डालेंगे। कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी होगी। यहाँ पर जो आपकी एक्सपायरी डेट डालने के बाद में आपको सीवीवी डालना है। इसके बाद में आपको अपना कार्ड होल्डर नेम डालना है, देन आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, और ओटीपी डालते ही आपका जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, एंड इसके बाद में दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। सो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना ताकि इसी तरीके की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफी बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आपको जो है टाइम टाइम पर देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स भी आप यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं तो आप उन प्रैक्टिस सेट्स को भी जो है परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।